अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो असन रानी स्कूल से वापस आ गए थे, तो ये हमारा राजू और ये रानिया ने रास्ते से स्लाइम ली है, पेंसिल वगैरह लिया है, और ये इनके पापा ने कार्टून वगैरह कोई चीज बनाकर दिखा रहे हैं, तो बेटा ऐसे बनाते हैं। असन आपने क्या लिया है? मैंने स्लाइम। आपने स्लाइम लिया? अच्छा आपने क्या लिया सर? अच्छा, और ये स्लाइम किसकी है? रानिया की है। मैं एक मिनट पापा को बनाने दे। रानिया आपको बनाना नहीं आता? आगे कह रहे, थोड़ा सा दिखाएं। ये बनाया है, ड्रैगन है। कौन सा ड्रैगन? ड्रैगन ड्रैगन होता है, ड्रैगन। असन टूट जाएगा, असन टूट जाएगा। तोड़ दिया। हाँ जी गाइस, ये देखिए बच्चे इतना काम कर रहे हैं स्कूल का, और रानिया ने अपना होमवर्क कर लिया, टेस्ट की तैयारी भी कर लिया, और असन हमारा कर रहा है अभी, राजू हमारा सो रहा है। हसन अरे रेक्टेंगल टी ए एन तो रानिया ने कर लिया काम, और रानिया भी अपने ज्योमेट्री और कलर्स वगैरह सब कुछ समेट के रख लिया है। नई ज्योमेट्री ली है ये दोनों, ये हसन की पहले थी, रानिया ने आज लिया, दोनों ने एक जैसी लिया बैठ भाइयों ने, और बाकी ये बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं। रानी क्या कह रही हो? ये दोनों करी होगी, ये दोनों इतने खुलती है, ये तो मम्मा देंगे फैन से मैं ना जो मैच पे आ रही है ना। हम लोग हलीम बनाने लगे हैं, तो इस तेज़की में मैंने पहले पानी डालकर थोड़ा सा नमक डालकर और चिकन डालकर बॉईल किया, तो अब इसी में मैं डाल रही हूँ घी की दो चमचे भर कर डाल रही हूँ, और इसमें मैंने पहले ये घी को ब्राउन वो गरम करके उसके अंदर मैं डालूँगी अब थोड़ा सा प्याज। प्याज मैंने एक प्याज बड़ा सा ले लिया, उसको मैंने काटा है, आधा प्याज मैंने भिगार वगैरह लगाने के लिए रख दिया, उसको अब मैं ब्राउन करूँगी। ये देखिए वो वाला प्याज हम लोग ब्राउन कर रहे हैं, तो ये हमारा प्याज हो गया है अब ब्राउन, तो ये इतना ब्राउन हो जाए फिर इसको निकाल लें अच्छी तरह, इसमें से घी वगैरह निकाल कर इसको छान लें। हम लोग ये वाला प्याज निकाल लेंगे, सारा प्याज हम लोग हो चुका था, तो हम लोग अब ये प्याज निकाल रहे हैं भाई, सारा इस तरह छन्नी में छान लें, इसमें से ऑयल सारा अलग कर दें और प्याज को अलग कर दें। इसको हम लोगों ने इस तरह करके निकाल लिया सारा प्याज, और अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने ना कर दिए लहसुन और अदरक और प्याज को इकट्ठा पीस लिया था, अब मैं उसमें वो सब इकट्ठा पीसा हुआ मैंने इसमें डाल दिया, और इसको मैं इसमें इस उसी ऑयल में ना भूनना शुरू कर दिया। अब वो अच्छी तरह भून जाएगा, तो अब ये प्याज वो हो गया भून गया, लहसुन अदरक और प्याज भून गया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी, और इसमें मसाले वगैरह ऐड करने के बाद मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या करना है। मसाला तैयार हो चुका है, अब इस तैयार मसाले में हम लोगों ने चिकन जो शेड की हुई है बिल्कुल रेशे रेशे की हुई है, हड्डियों समेत मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह इसमें फ्राई करूंगी, और थोड़ा थोड़ा सा पानी का तड़का भी लगाऊंगी, पर जो इसका पानी बच गया था वो यखनी जो बच गई थी वो मैंने मिक्स डाल कर हलीम का जो पैकेट था उसके अंदर मैंने डालकर उसको मैं ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने कतरा कतरा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तरीके से भुन गया है, अब इस भुने हुए चिकन में मैंने जो आपको बताया था कि दालें मिक्स की हुई हैं यखनी में वो मैंने इसमें ऐड की हैं, और
और इसमें ऐड करने के बाद ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बाकी जो आप उस बाउल में थोड़ा सा रह गई थी दालें वगैरह लगी रह गई थी, अब वो मैं उसमें पानी डालकर मैं ऊपर से वो भी डाल रही हूँ। अब इसको मैं सारा ये डालकर अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं थोड़ी देर हल्की हल्की आँच पर रख दूँगी भूनने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद अब इसका बीच में थोड़ा सा मसाला वगैरह वो ना चिकन वगैरह बीच में लगना शुरू हो गया था। फिर मैंने इसे चमचा हिलाया हल्की हल्की आँच में। आप साथ साथ चमचा हिलाते रहें, देखते रहें कि आपकी हलीम लगे ना। फिर बाकी जो ये है कि अगर कोई रह जाता है तो उसमें फिर आप कर मसाला किया। ये अब हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। आप इसमें कि मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, अदरक मैंने काट ली थी पतली पतली लंबी सी अदरक, और ये सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्चें वगैरह मैंने काट लिया। आप चेक करके लाजमी बताना इसके ऊपर खाने के टाइम नींबू वगैरह निचोड़ लेना कि कैसी बनी है। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई है। प्याज का भगार भी मैंने इसके ऊपर दिया है, तो आप चेक करके लाजमी बताना कि कैसी बनी है। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। हलीम की रेसिपी मैंने दे दी है, उसको चेकआउट कर लेना कि वो कैसी बनी है। और बच्चों को नींद आई है, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया, अब ये सोने लगे हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना, ढेर दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।